नाम में ईश्वर की चरण में जाके हम लोग ये शपथ लिया है। सोचिए लोग, खासतौर पर हमारे युवा भाई लोग को आज सबसे बड़ा समस्या होगी हम लोग को बेरोजगार की, बेरोजगार की। ये जो 5 लाख नौकरी है, हर प्रत्येक साल हम लोग एक लाख नौकरी दिया जाएगा, उसमें 50% महिला लोग के लिए, महिला लोग के 50% रिजर्वेशन है आप लोग सबको मालूम है। और हमारा एक उसमें कैटेगरी वन में ये रखा गया कि एक फैमिली एक जॉब, इसके मतलब जिस परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं है उसका नंबर पहले आएगा। और इसके लिए असम हम लोग ने ये असम के लिए ये सोचा है और ये निर्णय लिए कि हम लोग इसके लिए नया मंत्रालय बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जॉब, और उसके लिए नया कैबिनेट मंत्री भी जो कैबिनेट रैंक की मंत्री को हम लोग अपॉइंट किया जाएगा, ये हमारा बेरोजगार की समस्या समाधान करने के लिए। आज कोई भी पूछ सकता हो हम लोग को ये मुमकिन नहीं बोलते, लेकिन मैं कुछ आप लोग को उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर असम की पॉपुलेशन देखिए और बजट देखिए, और अगर हम लोग तुलना करते हैं हमारा पंजाब और हरियाणा से, बराबर की हम लोग पॉपुलेशन और बराबर की बजट पॉपुलेशन है, लेकिन उन स्टेट्स में गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ करीब 10 लाख जैसे, असम में फिलहाल सिर्फ 5 लाख है। हम लोग जो पैसा जो बजट हम लोग को प्रोविजन से, हम लोग चाहता है कि युवा लोग के लिए ये हम लोग जो 5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी और साथ ही साथ 25 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नए हम लोग इंडस्ट्रीज पॉलिसीज बना के हम लोग को ये बेरोजगार हमारा बहन हमारा भाई जो पढ़े लिखे हो, आज ये लोग बेरोजगार की वजह से कुछ यहाँ में काम करने को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, खासतौर करके बीजेपी की नीति से आज ये हम लोग को ये झेलना पड़ रहा है। इसके सुधार लाने के लिए हम लोग नया नया स्कीम ला रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, बुरा नहीं मानना है, आज मौसम की वजह से हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग को अधूरा रह गया है और कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर रहा, इसलिए ये हम लोग हमारा बीच में राहुल गांधी जी भी आने का चाह रहा था, अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ, शायद ये बारिश की वजह से आज कुछ भी हो सकता है ऊपर वाला के ऊपर। और सबको मालूम है ये जितना भी जो प्रोग्राम्स आज की जो प्रोग्राम्स ये सारा हमारा उनकी टीम की लोग आके बनाया, ये उम्मीद में कि आज हमारा बीच में हो बोल के, लेकिन बारिश की वजह से पता नहीं क्या होगा। ये उम्मीद होता है कि मौसम ठीक हो जाए, लेकिन समय की बात भी है, अगर समय पार हो जाता तो शायद कुछ प्रोग्राम भी चेंजेस होता है। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी आने के लिए ये सभा नहीं है, ये हम लोग दिखाना है। और ये जो आज इतना लोग आज आया है, हम लोग नई परिवर्तन जो चाहता है इसके लिए आप लोग सब आया। मैं ज्यादा बात नहीं पाऊंगा और बहुत सारा चीजें आप लोग को ये हम लोग जो चुनाव प्रचार में छोटे छोटे में मीटिंग में हमारा जो सपना डिमांसों की जो अपना जो स्कीम बनने जा रहा है राइजा बोल के, और अनेक चीज जो मैंने हमारा मैनिफेस्टो की बात आप लोग का हर हर गली में हर हर गांव में जाके हम लोग सुनाया है, आप लोग याद करो और हर हर में ये पूरा काम पूरा करेगा। और दिमाग के लिए जो सपना देखा है ये पूरा पूरी हम लोग मिल के ये सपना पूरा करेगा।